भैया सबरी अपने गुरु की याद में सोचती भगवान आएंगे, अगर दरवाजे पर गंदगी है तो बोलो भगवान रुकेंगे। उठा लेती झाड़ू। माताओं बहनों सुन लो, जब घर में झाड़ू लगाया करो तो बालों को खोल दिया करो, तुम्हारे घर में खुशियां हजार बढ़ेंगी। खाना बनाया करो तो बाल बांध लिया करो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी हजार बढ़ेगी। सोते समय माताओं बहनों को, यह कथा अलग है, ज्ञान अलग चीज है, सोते समय माताओं को तीन काम करना चाहिए, तुम्हारे घर में कभी रात बिरात अचानक मौत नहीं आएगी। बाल खोल करके स्त्री को कभी नहीं सोना चाहिए, बाल खोल करके सोती है उसके घर में बहुत बड़ी घटनाएं घटा करती हैं। माताओं को कभी भी बाल खोल करके नहीं सोना चाहिए, अगर बाल खोल करके सोती हैं तो पति की उम्र में दाग लगेगा। हम बिगिन लिखा पढ़ी को न बोलब, यू ने सोचो हम लिखा पढ़े बोले नहीं, लिखा पढ़ी बोलब। नवलदे अगर बाल खुल न गए होते तो भरी जवानी में परिचित मारे, समझ गयो। ये हमारा भक्त सुन रहा है, ये कथा का बहुत रसीला व्यक्ति है, इसको कलवंजिया फरेंद समझाओ। हाँ रसोई रसो रसोई रसो। भैया अब कथा के प्रेमी केवल दो तीन मिल जाएं, बड़े आनंद आनंद है। हर चीज प्रमाणित, माताओं बहनों को तीन काम करना चाहिए, खाना बनाते समय और तीन काम करना चाहिए सोते समय। बिस्तर बिछा लो, नाज सौगिरदा बिरदगा दो, बाल बांध लो, लड़का बच्चा बेहतरीन कह दो, चरपैया से ने कोई कथरी से ऐसा ना हो कि तागा लटकत हो जमीन पर। लेकिन हम देखे लड़का परा गुड़वारी वर अपना पड़ी मरवाड़ी वर, और बहुत ही जनी देखे बार खुल्ले खुल्ला ने, बहुत ही जनी देखे ना घींच खा ले लटकत है और भल 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 लार चुई रही खा ले। मेवा गोड़ हाँ धोए ठाण खाते खाना लाओ तो उनका यह नहीं। लड़का जब पहुड़ी रहें जब लेटी रहें तो लड़का मतलब स्वागत करते रहे, बच्चा दूध पियत रहा है, उनका यह नहीं पता है कि लड़का दूध पिए पड़ा है कि लौंडा इसे पड़ा है, उनका यह नहीं पता है कैसी का अंग है कहाँ है, उनका सब आंग अब तांगा पे काटे उनका ढोला देखे नहीं, राजभर नौटंकी देखे, उनका यह नहीं पता है कि भला कहाँ हाल हो। ऐसे नहीं शौक चाहिए अलाय बलाए, यह बदलाए बलाए जाते हैं। भैया सुनो मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुन लो। सबरी सोचती अगर भगवान आएंगे तो करब का, सबरी क्या करती है उठा लेती झाड़ू और झाड़ू लगाती है। आश्रम में रास्ता है चार, अब सुनो। सबरी झाड़ू लगाती है गाती है धीरे धीरे, कौशल्या जी के राम जी का आवन होगा, जिस दिन भगवान आएंगे जान लो हमारी जिंदगी सफल हो गए। कौशल्या जी के राम जी का आवन होगा, अरे सबरी भवन वा सुहावन होगा, मेरे प्रभु राम जी का आवन हो।
यही गली राम जी का आवन होगा, यही गली राम जी का आवन होगा, सबरी भवन वा सुहावन होगा। सबरी झाड़ू लगा देती, उसके बाद सोचती अगर भगवान आएंगे तो बैठा रब का है, चटैया बीन लेती है। बहनों झाड़ू लगावा करो तो इन्हों सोचो घर के लड़का घूमे है, हमार भगवान घूमे है, तुम्हार भक्ति वाला काम होगा। नहावा करो तो यू ने सोचो हमार आदमी खाना खाई, लड़का खाना खाए, हमार भगवान खाना खाए। कोई काम करो भगवान का नाम ले लो, वह होगा भक्ति पथ वाला काम, और भगवान जमने काम में नाम न जोड़ी हो वो होगा गृहस्थी काम। सबरी क्या करती, उसकी चटैया सबरी बीन चूने रखी लीना, बीन चूने रखी लीना, बीन चूने रखी लीना, यही पर प्रभु जी का आसन होगा, यही पर प्रभु मेरे आसीन होगे, सबरी भवन वा सुहावन होगा। बेर लेके डलैया पूरी चढ़ जाए, लोग कहते सबरी ने भगवान को झूठे बेर खवाए, झूठे नहीं खवाए, एक बेर तुरे खाए, अगर बेर डार का मीठा है, अगर एक बेर मीठ है बोलो भाई तो पूरी डार तो मीठ हुई है, पूरी डार तो जब नहीं डार बेर मीठ देखे तो 20 बार तूल ले, पूरी धवई पूरी झवरिया भर ले, सारा दिन बेर रख के रहा भगवान प्रतीक्षा में, सारा दिन टुकुर टुकुर जाखा करे, पता नहीं कौनी गली आ रहे, शाम के यहाँ बेर वही भोग लगा लेती है। होशियार माताएं बहनी एक गिलास दूध निकाल का लगट जरूर धर लेती, होशियार माताएं बहनी दिन भर मांगो दूध ना दिया है, क्योंकि पता नहीं कत्ती बिहुआ आ जाए इज्जत चली जाए, गलत बताए। होशियार माताएं बहने 2 किलो शक्कर लाए, आधा किलो शक्कर निकाले कौरे कछाई में धगिया दी, शक्कर लाओ जा शक्कर कल लाए रहन, अब खत्म, अब रखी है वही इमरजेंसी बद रखी है। बहुत होशियार माताएं नीक नीक दाल अरोर धर ले, जब हमारी बहन आई हमार जीजा आई तो बनाई वहां पायल की झनकार रस्ते रस्ते कट मिट्टे बेर सबरी बीन चुन रखी लीना, बीन चुन रखी लीना, बीन चुन रखी लीना, यही तो प्रभु का मेरे भोजन होगा, यही तो प्रभु का हमरे भोजन होगा, सबरी भवन वा सुहावन होगा। सबरी ये दरास्ता देखते देखते 90 साल हो गई, 90 साल हो गई जी की, 90 साल उम्र हो जाए तो बोलो भाई शरीर का कैल्शियम भी बंद, रोशनी भी कम, और शरीर की सारी फुर्तीली समाप्त हो जाती है।
अब आश्रम में सिर्फ बैठी रहती, देखा करती हूँ इधर भगवान श्री राम की सीता का हरण हो गया। भगवान जब सबरी के आश्रम की तरफ बढ़े तो बाबा लोगन ने, लोकल बाबा ने सोचा भगवान आए रहे तो लाओ हमारे पास बनाए बनाए कुटिया और लगाए लगाए ईटा के राबिस बैठ जाओ तो बाबा हो सके तो भगवान है मिल जाए। भैया अब जब सबरी के आश्रम भगवान बढ़े, जब भगवान आगे बढ़े तो बाबा लोग बनाए बनाए कुटिया और आगे लगाए लगाए धोनी रामाय बैठ गए। लेकिन भगवान ने सबकी कुटिया माइनस लगा दिया। क्यों? हमें जाना है वहां जहां मेरे सच्चे भक्त हैं। तहां भगवान साहब कहूं घूमते रहे लेकिन कहूं नहीं गए। सबरी के आश्रम में पहुंचे, सबरी दूर से देखा आहा भगवान आ रहे, दौड़ पड़ी अगे खड़ी हो गई, देखो अपने को कतरा गिरी कहा। सबरी बोली महाराज आरी या धामा ते या धामा या ती नारी फर्स्ट सेकंड थर्ड आरिया धामा ते या धामा या ती नारी अपी नामा मैं मती मान दया घारी अधम तीनों कारण हम बताइए आपके यहाँ अलग अलग। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन बार अधम अधम कहा है अपने हाथ से सबरी। नारी को अधम क्यों कहा गया? नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा भय द्रोपलेला समान, तो नारी को अधम क्यों कहा गया? सबरी अधम इसलिए कहा क्योंकि सबरी सोचती है कि प्रभु ना हमरे है नैहर और ना हमरे है ससुरार, और या गुरु जी रहे वहां हमका जहाँ छाड़ के चले गए, हम तीनों प्रकार से अधम हूं। आज सबरी आज बाबा मतंग ऋषि भगवान से बोली प्रभु मैं बहुत गिरी हूं। भगवान बोले हमका यह प्रसन्न है। भगवान गए बैठ गए, सबरी बैठार दिया और ले करके भैया आज क्या करती है पूरी छबरिया वह चटैया डाल दिया और लाइक ए तुम्हारे द्वारे रिश्तेदार आवे का कोई जरूरी है हो का पनीर छुआला भिटूरा सब खवाओ, जौन बना हो तो तुरंत लाओ, जौन बना हो फट दिलाओ, वह मानने वाला रिश्तेदार हुआ है और पता लगा भोरे तो बैठे बैठे लबर लबर कर कर दे संझा हो गए तब हो खा के मिला दाल सब्जी रोटी तब तो कम से कम छोला भिटोरा हो चाहिए। सबरी दौड़ के गई बैठा दिया चटैया और गई धन दे उठा लाई क्या डेरों का पूरा पूरी छबरिया उठा लाई भैया और उठा करके रख दिया और इधर देख लो और हम आपको बता दे। सबरी ने देखा भगवान के पैरों से खून बह रहा इसलिए रोने लगी। मेरे भगवान नंगे पांव चले हैं, बड़े बड़े अखरा फाट गए, खून बह रहा है, अब कोई दूर से चल कर आवे भैया विके ठंडे पैर से ने पैर धुल दिया हो ठंडे जल से तो बोलो भाई सूजन हो जाएगी नहीं हो जाएगी? गर्म पानी हो थोड़ा नमक डाल लो पैर धुल लो थकान खत्म हो जाएगा। सबरी ने सोचा गर्म पानी कर अब देर हो जाए कहूँ लेट हो जाए भगवान चले जाए तो बिगड़ जाए, तो सबरी ने सोचा घाव है तो इमा कौन पानी लगावा जाए, सबसे नरम पानी कहो सबसे महीन पानी कहाँ है मालूम? सबसे महीन पानी कहाँ है? सबसे महीन छन्ना कहाँ है? आँख, आँख से छलका आंसू जा टपका, आँख से आंसू जिमा हवा लाग जा तो खरकाई लागत वही में से बलबल बलबल पानी निकल लागत। बोलो यू पानी सबसे महीन है और शरीर के लिए दो चीजें ऐसी हैं जो नमकीन है, शरीर में यहाँ दो चीजें ऐसी हैं जो निकलती हैं नमकीन है, बताइए हाँ? आंस और नाक, दो चीजें नमकीन है, चाहे आंस चाट के देखो तो नमकीन और नाक चाट के देखो तो नमकीन। नाक अब कत्ते जने नाक चाटे हो बताओ छे? कोई नहीं चाहता भैया। तो आंस होते हैं नमकीन। ए सबरी ने क्या किया भगवान के पैरों को देखा ए तो इतना रोई सबरी भैया कि भगवान के पैरों को सजल नयन लोचन जल छाए जल नयन लोचन जल छाए जब प्रभु मुनि मतान खलवाए
के पैरों को धुल दिया और बेर रख दिया, महाराज यहाँ भोग हुआ है। ए खाना बनावे वाला मिस्त्री चाहे जैसे खाना बनावे, लेकिन हौसला कब हो न तोरो, दोपहरे लोन ज्यादा होगा रहा है, अब लोन रहबे नहीं करे है ना। लेकिन मिस्त्री क्या हौसला कब हो न तोरो, कोई बात नहीं खाना बढ़िया बना है। भगवान बेर खाने बैठे तो सबरी के बेर बाद में खाए, यह तो विशेषता। खाना खाए बैठो भले सब्जी कचपचा ही हो, लेकिन कह दो वार भाई सब्जी, वार सब्जी वार दाल वार काल है, मजा आएगा वाह खाओ बाद में। तो हो सकत है तुमका घीवो पर सिद्धे वाह वाह। और जो पहले कहते हम सब्जी को चुरप चुर भात कचपचा, तो जो बुढ़वा कहावो के इशारा है तनी घीव दे दो, घीव मौसिया घीव बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया भगवान बेर खाए बाद मां और पहले बड़ाई किया तो ये धन्य है फिलनिया धन्य सवेरी, तो ये धन्य है फिलनिया धन्य सवेरी। भगवान पेड़ खाने थे सबरी जाना प्रभु घर आए खातिर कर शिव बनाई, टूटे बेर लाए डलिया माँ, अरे प्रभु के धरो वगारी मन मा सोचे दोनों भाईया धन्य सवेरी, तो गे धन्य है खिलनिया धन्य सवेरी। विनोद भैया सिंहपुर से, 100 रुपया सुभाष भैया भेसी से, भगवान के चरण में दान। भैया भगवान बेर खाए ला, लक्ष्मण से कहा भैया तुम हो ब्यार खाओ, लक्ष्मण कहा जात की पासन के ब्यार हम न खाब, हाँ ये खाए हम ये छूत नहीं खाते हैं, हम शुद्धक चीज खाते हैं व्यवहार नहीं खाते। प्रेम भरे पेरन को प्रभु ने तीनों भोग लगाई, भगवान बेर खाए ना और लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण खाओ ना, लक्ष्मण जवाब दे नहीं पाओ, लक्ष्मण बेर उठाए ले और खाए कसा खाओ खाओ, अब भगवान तिरछा को ले दिया खाए खाओ लक्ष्मण। गुठली कम है बढ़िया है ना रंजीत, हमारे तो बेचारे एक ही है, बढ़िया लागत है कहने, हाँ ठीक है गोदा खूब है गोदा खूब है। अच्छा और लक्ष्मण कहा करे बेर खाए नहीं खाली मुंह बनाऊए, और भगवान कहा ला लक्ष्मण तुम बेर का मान कर रहे हो, चलिए हम कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा और बेवफा से मोहब्बत करे तो धड़क बैठ रोना पड़ेगा। प्रेम भरे बेरन को हरि ने तीन भोग लगाई, लेकिन लक्ष्मण झूठे बेर जान के मैं क्यों दीन पिछाई, पहुंची पर्वत वाली पहुंचे पर्वत वाली चोटिया धन्य सवेरी, पहुंचे पर्वत वाली चोटिया धन्य सवेरी।
और यहाँ लक्ष्मण पूछे न है जंगल मा भगवान से कहा लाग भैया हमका वो अपन भक्ति दे दो जौन भक्ति कह के लोग तर जात। भगवान बोले लक्ष्मण जब समय आई तो तुमका भक्ति दे दे आप। आज लक्ष्मण की भगवान ने परीक्षा किया तो परीक्षा में लक्ष्मण हो गए फेल। लक्ष्मण अगर बेर खा लेती तो फेल ना होती, लेकिन वही बेर जान तो कहाँ पहुंचे, बेर ठौरे नहीं गिरे। ए हमारा लड़का मांदा है, हम गए डॉक्टर को 25 रुपए की दवा लाए। अब लड़का चाहे जत्ता मांदा हो लेकिन कोई क्या लड़का भैया दवा नहीं कम नहीं पिए थे। कोई कोई लड़का पकड़ लो पी लिए थे, लेकिन कोई कोई लड़का अतने कर रहे होते हैं कि दवा जो ना ले तो कहो टवाला छाड़ दे। लेकिन कहा दवा टवाला छाड़ दो पिए ना पैसा लाख पिए नीकम पियो तो पियो नागम पियो पिए परवे करी उसे बच सकन नहीं हो को से चाह जत्ती करो। तो अब देखो कोई कोई लड़का जो पकड़ लियो तो हाली ग्वाड़ हाथ फड़फड़ावा लगा पकड़ रहा वहां हाथ आओ अब तक बोला अपने पकड़ ने हाथ। अब जब हाथ पकड़ लो तो ग्वाड़ फड़फड़ाओ थे तो अपने आदमी तुम हुमा बैठो तुम ग्वाड़ नहीं पकड़ पाओ दवा खराब जाई। हाँ तक मुंह बनाई हो लौंडे बुखार ने उतर रहा ग्वाड़ पकड़ ली। अब कोई कोई लड़का तब छिए तो मार ठीचो ठीचो मार छत्ता उलारा कर। जब छत्ता उलारा करते धर रमकलिया धर छत्ता बला देखिए मरी गा दवा नहीं पी करिया काटा 25 रुपए का दवा लाने मरी गो दवा भी तो उनका है जो ही नहीं जाते। अब है तुमका देखो हम आज अब पकड़ ले सब टस मस नहीं हो पाओ तो पकड़ मुझे इतना ना बुलाओ पकड़ एक मुँह ना देती। जब मुहिमा ना देती है तो बहु लड़का ऐसा है देखे वो घूटत नहीं है घूटल करा कर दे। अच्छा के अतनी जनी बैठी है कहा बहन पूछा दे तुमसे सबसे मुहिमा दवा ना दे घूटत नहीं है तो अब ऐसे कौन काम कीन जाए जो लौंडा दवा घूट जाए। सब जनी झेले हो सब जनी जुगाड़ मालूम है देखो पूछा दे जब ना ना दवा ली ले लड़का तो का कह लो यो धुआरा दियो बंद करे बस लिख ले बद हो गवा बड़ बड़ बाबा 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 अब और मुंह फैला दे झोंके रहो चिमचन पानी झोंके रहो ढकियाए रहो जैले मरी गौ ना पियो। लक्ष्मण बेरन का अपमान कर दिया। भगवान ने कहा लक्ष्मण बदला ले के रहा जो बेर लक्ष्मण फेंक कर रहा है वो बेर कहाँ पहुंच रहा है मालूम। बेर गए पर्वत पर पहुंचे अने सजीवन जाई बेर गए पर्वत पर पहुंचे अने सजीवन जाई जब शक्ति पान लगे लक्ष्मण के पर्वत वाली पहुंचे पर्वत वाली छोटिया पहुंचे पर्वत वाली छोटिया रामचंद्र भगवान इसीलिए लक्ष्मण के शक्ति भगवान ने बदला लिया था। लक्ष्मण अगर सबरी के बेरों का अपमान ना करते तो मेघनाथ लक्ष्मण के बाण शक्ति नहीं मार सकता था। इसीलिए भगवान ने मेघनाथ का दोष लगाया और बदला लिया अपने भक्त माता सबरी का। सबरी भगवान की सबरी जैसी शरीर के अंदर जिसके भक्ति है वो कोई भी बिरादरी का हो व्यक्ति लेकिन वो भगवान का बहुत प्रिय भक्त होता। और ऐसे भक्त हमारे भेसी में बहुत हैं लेकिन हमारे सुशील भैया का ऐसा भक्त कोई नहीं जिनके दिल के अंदर रग रग में भगवान की भक्ति घुसी है। और ये भैया जिस व्यक्ति को हर चीज में भगवान दिखाई पड़े ब्रह्म बाबू भी भगवान है शेरावाली भी भगवान है
सबको जिसको सबसे प्यार हो बराबर, वो भक्त बहुत सर्वश्रेष्ठ है। सबरी जैसी भक्ति हमारे आपके शरीर में है, लेकिन जिसके सोई है वो व्यक्ति जगा नहीं पा रहा। सबरी जैसी भक्ति जगा लीजिए और भगवान के हृदय में बस जाइए और भगवान तुमको बहुत प्यार करेगा। भगवान श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति दिया था। नवधा भक्ति क्यों दिया? क्योंकि सबरी की शादी ना हुई, शादी ना हुई इसलिए भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति दिया। नवधा माने कहते हैं नवा पेड़। तो सबरी केवल शरीर से जर्जर हो गई, लेकिन उसने शादी नहीं किया, अपने गुरु की आज्ञा लिया, इसलिए भगवान ने सबरी को नव भक्ति दिया। लक्ष्मण बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण के बात यह समझ में नहीं आई, क्योंकि लक्ष्मण के दिल में एक कमी थी। हमारे आपके शरीर में अगर जरा सी कमी है तो भगवान की खुशबू नहीं आएगी, है ना? अगर जरा सी खुशबू नहीं आई तो भगवान की भक्ति से क्या मतलब। लक्ष्मण महाराज इसीलिए धराशायी हो गए और इसीलिए हनुमान जी को लाया गया। डॉक्टर साहब ने इसीलिए कहा था कि राते राते में बूटी आवे, दिमा लक्ष्मण जान न पावे बूटी आए का, वही बेर थे, बेरों का अपमान। इसीलिए किसी का अनादर ना करो। दरवाजे पर कोई मेहमान आवे या तुम जाओ रिश्तेदारी, कोई जाड़े के मौसम में शरबत घोर के लावा, लेकिन वही का अपमान ना करो, ना कुछ करो। तुम अंगूरी बोल लो, माथे में लगा लो, वह काम होगा। हनुमान जी ने ए ना कुछ करो, प्रसाद पर हाथ फेर दो, जान लो काम होगा। वह वो कहो अपमान नहीं भा, तुम्हारा अपमान नहीं भा। अब पता ला कर अरे यार हाँ तुम हो जाड़े में कौन शरबत पिया जात, तो समझ लो का शरबत क्या अपमान के हो। ये का प्रायश्चित भागे परी और वह महीनम तुरे निमोनिया बनी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कहाँ तक बताया जाए, कहाँ तक सुनाया जाए। भगवान के भक्ति के तमाम रस है ना मेरे बंधु। राम के भजाना मैया न्यारे न्यारे फलाएं, राम के भजाना मैया न्यारे न्यारे फलाएं। अब कोई जरूरी नहीं कौन से नलवा कंठी पहरे से तारी गे, जरूरी नहीं कि गरे माला पहरे माल झुआ भा तो तरी जई हो। पैलौना तरी गे जिनके कांधे माची हराई, कौन से नलवा जटा रखाए से ने तारी गे, अत्ते अत्ते जटा रखाए हो, दाढ़ी रखाए हो, बकरा पर की तो तरी हो ना। शादी के हो लड़का बिटिया मारे मारे घूम रहे, तुम बाबा हो गयो ब्रह्मचारी हो गयो, तुम्हारे बाबा अंतर धरी। कौन से नलवा जटा रखाए से ने तारी गे, मरवौना तरगे जिनके लंबे लंबे पराए, मरवौना तरगे जिनके लंबे लंबे। और बताई कौन से नलवा भैया जलहे के तारी गे, नलवा भैया यार जलहे के तारी गे, कछुओना तरी गे जिनके जगे मैया भरा है, कछुओना तरी गे भैया जलहे के भाजमा पंचो नारे न्यारे फलाएं, श्रो सिया रामचंद्र भगवान की। तो भगवान का भजन कोई जरूरी नहीं कि माला पहरो कंठी पहरो, हैं
भगवान की भक्ति जत्ता दालिम नमक पड़ते है खाली वत्ता भजे रहो, वह दालिम आधा किलो लोन डाल दो, बोलो भाई दाल नीक लागी। तो ज्यादा भगवान भजन भी ना करो और ज्यादा विसारना भी नहीं चाहिए। जितना दाल में नमक पड़ता है, भगत ही नर सो है कैसे, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान की भक्ति जितना दाल में नमक पड़ता है उतनी भक्ति करते रहिए, आप भोजन की तरह भगवान को सदैव प्यारे हो जाओगे। इस प्रकार से मैंने सबरी माता का पावन चरित्र आपको सुनाया। 20 रुपया बुद्धा भैया धिनोरी से और 21 रुपया संदीप मिश्रा भैया धिनोरी से। भगवान के चरण मैदान के भगवान कल्याण करे। कथा गए हो सिया रामचंद्र भगवान की।